चूरू के तारानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएनबी का एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर। गांव सहावा में चोरों ने देर रात्रि को इस घटना को अंजाम दिया। एटीएम को कैंपर गाड़ी में उठा ले गए चोर। चार से पांच आदमी होने की संभावना बताई जा रही है। और सहावा एसएचओ रामकरण ने कहा कि पीछा किया था चोरों का, लेकिन कोहरे की वजह से ये चोर भाग निकले। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चूरू के तारानगर में ये बड़ा मामला सामने आया, जब पीएनबी का एटीएम उखाड़ कर चोर ले गए और चार पांच ये चोर बताए जा रहे हैं, जिस तरह की सूचना सामने आ रही है। कैंपर गाड़ी में उठा ले गए, चार से पांच आदमी होने की संभावना है। और सहावा एसएचओ रामकरण ने कहा है कि पीछा किया गया था चोरों का, लेकिन कोहरे की वजह से ये चोर भाग निकले। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर है अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वो एटीएम है पीएनबी का जिसको चोर उखाड़ कर ले गए। चार से पांच आदमी बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एसएचओ रामकरण ने बताया है कि हम चोर का पीछा करने लगे, लेकिन घने कोहरे के कारण जो चोर है वो बाहर निकले। चूरू के तारानगर की ये जानकारी आपको दे रहे हैं। चार से पांच आदमी होने की संभावना है और पीएनबी का एटीएम उखाड़ कर वो चोर ले गए। और ये वो एटीएम की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक का ये एटीएम जिसको चोर उखाड़ कर ले गए। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ मनोज शर्मा। मनोज, क्या कुछ जानकारी, जो चोर है क्या वो गिरफ्त में है, क्या कुछ पुलिस कह रही है अब? ये अर्पिता, बताना चाहूंगा कि चूरू के तारानगर तहसील के सावा थाना अंतर्गत का ये मामला है और सावा है वहीं का ये मामला है, जहां पीएनबी का जो बैंक का एटीएम है उसे चोर है वो उखाड़ लिए गए। कैंपर गाड़ी में ये चोर है वो आए थे और चार से पांच है वो ये बदमाश लोग है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो थाना अधिकारी है वो ये दावा जरूर कर रहे हैं कि चोरों का पीछा किया गया था और वो हनुमानगढ़ की तरफ कोर की वजह से भागने में कामयाब है वो हो गए हैं। लेकिन आगे की जो पुलिस है उनको सूचना भी दी जा तक पहुंच पाएगी, ये तो पुलिस की जो कानून व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर है। और लगातार जिले की बात करें तो चोरी की वारदात है वो अन्य जो थाना क्षेत्र है उनमें सामने आई है। पुलिस की कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ये जो एटीएम था इसके अंदर तकरीबन 8 से 9 लाख का केस है वो बताया जा रहा है और अब इसमें मामला वगैरह दर्ज होगा, पुलिस है वो जांच भी करेगी और उम्मीद ये करते हैं कि जो आरोपी लोग हैं उन तक पुलिस है वो जल्दी पहुंच पाई चोरों तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चूरू के तारानगर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं।